आप अभी हाउस ऑफ ड्रैगन्स तो बिंज कर ही रहे होंगे, बट क्या आपको पता है कि ये शो इंग्लैंड और नॉर्मेंडी के सिविल वॉर पर बेस्ड है? यस इट इज। क्या आप हाउस ऑफ ड्रैगन्स देख के अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में नॉस्टैल्जिक हो गए हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स रीवॉच करने वाले हैं? वेट 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 वेट, रीवॉच करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए जिसमें हम बताएंगे कैसे जॉर्ज आर आर मार्टिन, ओरिजिनल गेम ऑफ थ्रोन्स बुक के राइटर, ने ये फैंटास्टिक स्टोरी बनाई रियल इवेंट्स और कैरेक्टर्स। जी हाँ, जीओटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक्चुअल हिस्ट्री से लिए गए हैं। ये वीडियो लंबा होगा सो पॉपकॉर्न ले लीजिए और एंड तक बने रहिए। स्टार्क, यॉर्क, लैनिस्टर, लैंकास्टर, श्योरली आप कनेक्शन देख पा रहे हैं। 1455 और 1485 के बीच ब्रिटिश थ्रोन को लेकर राइवल रॉयल फैमिलीज में कई सारे बैटल्स हुए जिन्हें वॉर ऑफ रोजेस के नाम से जाना गया। साउंड्स फैमिलियर? और भी कई पैरेलल्स हैं। जॉफरी रिजेंबल करते हैं एडवर्ड ऑफ लैंकास्टर को, जो सपोजिटली किंग हेनरी VI के इललेजिटिमेट सन थे और जिन्होंने मार्गरेट ऑफ एंजू से शादी की, जिसकी बहुत समानता है आप जीओटी के सर्सी के कैरेक्टर से होंगे जिन्होंने रिचर्ड ऑफ यॉर्क पे भरोसा नहीं किया। Who seems a lot like Ned Stark. ये स्टोरी भी काफी कंफ्यूजिंग है, जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। वॉर ऑफ रोजेस का एंड हुआ जब हेनरी ट्यूडर ने एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी कर ली, जिसकी डिटेल्स आपको शो में डेनेरिस टारगेरियन और जॉन स्नो की शादी में दिखेंगे। एंड नाउ वी नो हाउ दैट एंडेड। जीओटी हिस्ट्री के सबसे नोटोरियस इवेंट्स में से एक है रेड वेडिंग, जहां किंग रॉब स्टार्क, उनकी वाइफ क्वीन टेलिसा, उनकी मदर लेडी कैटलिन और भी कई लोगों को ब्रूटली मर्डर किया गया था एडमर टली और रोजलिन फ्रे की शादी के दौरान। ये मैसेकर दो हिस्टोरिकल स्कॉटिश इवेंट्स और प्रोबेबली एक जापानीज इवेंट पे बेस्ड है। रेड वेडिंग बेस्ड है द ब्लैक डिनर इवेंट पे, जहां 1440 में 16 साल के अर्ल ऑफ डगलस और उनके छोटे भाई को बीहेड कर दिया गया जब वो 10 साल के किंग जेम्स II के साथ डिनर कर रहे। कुछ 1691 के मैसेकर ऑफ ग्लेनकोई इवेंट से भी लिए गए हैं, जहां किंग विलियम्स के लॉयल सोल्जर्स ने मैकडोनल्ड क्लैन के कई लोगों को मर्डर कर दिया था जब वो सो रहे थे। 14th सेंचुरी में फ्रांस के पास वाकई में एक मैड किंग था। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के कॉन्फ्लिक्ट्स मोस्टली मैड किंग एरीज टारगेरियन की वजह से हुए, जैसे एरीज का रिचर्ड और ब्रैंडन स्टार्क को मारना और फिर नेड स्टार्क और रॉबर्ट बैराथियन के कटे हुए हेड्स की डिमांड, जिसे रॉबर्ट की रिबेलियन स्पार्क, और इसी एक्शंस के कारण उनके मैडनेस में इमर्स हो जाना। दो हिस्ट्री में बहुत सारे मैड मोनार्क्स थे। एरीज से सबसे ज्यादा रिसेम्बलेंस रखते हैं किंग चार्ल्स VI, जिन्हें चार्ल्स द मैड के नाम से भी जाना जाता था। एरीज की तरह चार्ल्स भी इनसैनिटी के शिकार थे और फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव हो जाते थे एज अ रिजल्ट ऑफ हिज इंक्रीजिंग पैरानोया। अनलाइक टारगेरियन, किंग चार्ल्स की पैरानोया एक कंडीशन से हुई थी, जिसकी वजह से वो सोचते थे कि उनकी पूरी बॉडी ग्लास से बनी। जॉर्ज आर आर मार्टिन ने ये एडमिट किया कि उन्होंने द वॉल का कॉन्सेप्ट हेड्रियन वॉल विजिट करते डिस्कवर किया था, जो स्कॉटिश और इंग्लैंड बॉर्डर के पास है। मार्टिन की द वॉल सॉलिड आइस से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 700 फीट की है और 300 माइल्स तक स्ट्रेच है, और इसका निर्माण वाइल्डलिंग्स को दूसरी तरफ रखने के लिए किया गया था। ऑन द अदर हैंड, हेड्रियंस वॉल नॉर्थ टाइनसाइड में विल्सन से लेकर बाउनेस ऑन सॉल्वे कम्बेरिया तक बनाई गई थी, रोमन एम्पायर को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी स्ट्रेच 73 माइल्स और लगभग 20 फीट की ऊंचाई। रियल वर्ल्ड और गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे क्लियर कनेक्शन है आयरन बॉर्न का। आयरन बॉर्न वेस्टरोसी है, जो आयरन आइलैंड्स पे रहते हैं। हाउस ग्रेजॉय वहाँ की रूलिंग फैमिली है, जिनके फैमिली वर्ड्स है वी डू नॉट सो। ये आयरन आइलैंडर्स के कल्चरल कस्टम्स से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि दूसरे लोगों की जमीन पे रेड और लूट करना और देयर प्रोडक्ट्स, और ना कि अपने प्रोडक्ट्स ग्रो करना। एडिशनली आयरन आइलैंड्स बहुत स्किल्ड लेबर्स भी हैं, जो हमें क्लियरली दिखता है वाइकिंग सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड करते हुए। दोथराकी के नोमैडिक हॉर्स लविंग वॉरियर्स, जो एसोस के प्लेन्स पे राज करते थे, उनमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक सेम थी जो मंगोल एम्पायर में भी थी, जो 13th और 14th सेंचुरी में एशिया और यूरोप में एग्जिस्ट करते थे। अल ड्रोगो, जो एक प्रोमिनेंट दोथराकी रूलर थे, उनके कैरेक्टर और जंगीज खान में बहुत सिमिलैरिटीज थी, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के सर पर मोल्टन मेटल्स गिराकर उन्हें मारने में भी, जो चंगेज खान सिल्वर यूज करते थे और ड्रोगो गोल्ड। इन दोनों की डेथ्स में भी सिमिलैरिटीज, बिकॉज जंगीज खान इन्फेक्टेड वुंड से मरे गए और ड्रोगो की भी डेथ कुछ सिमिलर फैशन में ही हुई थी। जॉर्ज मार्टिन ने ये खुद एडमिट किया है कि दोथराकी के कैरेक्टरिस्टिक्स हंस, एलिन, टर्क्स और कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब से लिए गए हैं। ग्रीक फायर एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस वेपन्स में से एक था। ये नेम ओरिजिनेट हुआ था 7th सेंचुरी ग्रीक से, जिन्हें घेर लिया जाता था। बाइजेंटाइंस भी इसे सी बैटल्स में यूज करते थे, क्योंकि ग्रीक फायर पानी पे भी कंटिन्यूअसली जलती रहती थी। आज तक भी हिस्टोरियंस ग्रीक फायर का कंपोजिशन नहीं समझ पाए, पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फायर में पाइन रेसिन, क्विक लाइम और सल्फर यूज किया जाता था। वेस्टरोस द्वारा यूज किया गया वाइल्ड फायर, जो हमें ब्लैक वाटर एपिसोड्स में दिखाई गई, वो क्लियरली ग्रीक फायर से इंस्पायर्ड थी।
जॉफ्रेज डेथ वॉज ए बिग शॉकिंग। हम भी उतने ही सरप्राइज थे जितना वो खुद, बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अटिला द हन की हिस्टोरिकल इमेज लीडिंग अ हॉर्ड ऑफ हॉर्समैन चार्जिंग अक्रॉस द प्लेन्स खाल ड्रोगो से ज्यादा क्लोजर है जॉफ्री बेरेथियन के बजाय। स्टिल अटिला और जॉफ्री में एक इम्पोर्टेंट लाइफ डिटेल कॉमन, उनकी शादी में उनकी मिस्टीरियस डेथ। अटिला की इडिको से शादी पहली नहीं थी पर लास्ट डेफिनेटली थी। जब अगले मॉर्निंग उसकी बॉडी मिली तो वो अपने ही खून में सफोकेट होके मरा हुआ पाया गया। उसकी डेथ की बहुत सारी थ्योरीज हैं, फ्रॉम एक्सेस एल्कोहल टू बर्स्ट ब्लड वेसल्स फॉर मर्डर, बट आज तक ये मिस्ट्री ही रही है। एगॉन द कॉन्करर इज बेसिकली विलियम द कॉन्करर बट विद ड्रैगन्स। तो मैनर ऑफ इन्वेजन डिफरेंट थी बट एगॉन द कॉन्करर में बहुत सिमिलैरिटीज थी रियल लाइफ विलियम द कॉन्करर के साथ, जिन्होंने 1066 में ब्रिटेन पर हमला किया था। उन दोनों के नाम में कॉन्करर शब्द के अलावा दोनों ने ही पॉलिटिकल चेंज लाई थी अपने किंगडम में और एक न्यू रॉयल लाइन स्टार्ट। वेस्टेरोस बहुत फेथ्स में मानते थे पर उनमें से इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कोई नहीं था जो रोलर को वर्शिप करने में था, जो रेड प्रीस्ट्स और प्रीस्टेस करती थी लाइक मेलिसेंडर। बहुत सारे लॉर्ड ऑफ लाइट के प्रिंसिपल्स ज़ोरास्ट्रियनिज्म से लिए गए हैं, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द अर्लीस्ट मोनोथेस्टिक रिलीजन में से एक है। दोनों फेस हेविली फोकस करते हैं फायर की इम्पोर्टेंस और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग पे एज डिवाइडेड इनटू बाइनरी टर्म्स। ज़ोरास्ट्रियंस एक हीरो फिगर पे बिलीव करते हैं जो इवेल के अगेंस्ट फाइट करेंगे। उनका नेम अहुरा माज़्डा है और ना कि अहोर आहाई, प्रूविंग राइटर साहब ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया। भले ही ब्रावोस एक इमेजिनेटिव शहर है, वेस्टरोस से समुद्र पार लोकेटेड है, पर गेम ऑफ थ्रोन्स में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, यहीं पर आर्या फेस वॉपिंग और फाइटिंग सीखती है। ब्रावोस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैनल से ऑक्यूपाइड है, जो ऑब्वियसली रियल लाइफ सिटी वेनिस से इंस्पायर्ड है। वेनिस की तरह ब्रावोस भी एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट की तरह ऑपरेट करता है। ब्रावोस की पॉलिटिक्स आयरन बैंक और मिस्टीरियस गिल्ड ऑफ द फेसलेस मैन द्वारा चलाई जाती है। इस तरह वेनिस पर भी काउंसिल ऑफ टेन नाम के एक ग्रुप ने सेंचुरीज तक राज किया। शो में वॉर ऑफ द फाइव रिंग्स ना कि सिर्फ वॉर ऑफ रोजेस से लिए गए हैं बल्कि 69 एडी में एक इवेंट से भी बोरो किए गए हैं, जहां रोमन एम्परर के लिए फोर पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गई, जिसमें अल्टीमेटली वेस्पेशियन जीत गए। कई क्लासिस्ट ने यह भी बताया है कि एसोस का सीन साफ तौर पर रोमन एम्पायर जैसा है, इंक्लूडिंग ग्लैडिएटर वाले एरिनास, आना और वॉशरूम्स। टेनिस बैरेथियन का किंग्स लैंडिंग के कैपिटल को सीज करने का डिसीजन से हमें शो में बैटल ऑफ ब्लैक वाटर दिखा, जिसमें बहुत सिमिलैरिटीज है विद सेकंड अरब सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो 717 और 718 में हुई, जब उमायद कैलिफेट ने बाइजेंटाइन एम्पायर पर अटैक किया था। कई सारे कॉम्प्लेक्स एपिसोड्स जिसमें सिविल स्ट्राइफ, ट्रिकरी, डबल क्रॉसिंग के बाद अरब्स को हराया गया था ग्रीक फायर का यूज करके, विच लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमी शिप बिफोर इट रीच्ड लैंड। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी स्टैनिस और उसकी नेवी को भी ऐसे ही हराया गया था वाइल्ड फायर का यूज करके, तो बहुत सिमिलर है ग्रीक फायर। तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।